दोस्तों, होटल इंडस्ट्री के दो ऐसे स्टॉक जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा हाइलाइट्स में बने हुए हैं। दरअसल दोस्तों, हाइलाइट में रहने का मेन रीजन ये है कि जूनिपर होटल का आईपीओ सामने आ रहा है। अब बात ये आ रही है दोस्तों कि कौन से स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से स्टॉक आपके लिए बेटर रहेगा, इंडियन होटल या फिर जूनिपर होटल। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम इंडियन होटल की, तो एक चीज यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट देती है जो कि ये है दोस्तों, यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड बाय द फाउंडर ऑफ द टाटा ग्रुप, ये आपको एक बड़ा नाम सामने दिखाई दे रहा है। और आगे चल के अगर और देखेंगे तो दोस्तों, जमशेद जी टाटा दी कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट होटल दी ताजमहल पैलेस इन बॉम्बे 1903। ISCL हैज ए पोर्टफोलियो 263 होटल्स इंक्लूड 75 अंडर डेवलपमेंट ग्लोबली अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स 12 कंट्रीज एंड इन ओवर 100 लोकेशंस। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये अपने आप में होटल इंडस्ट्री का एक बड़ा एरा भी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे होटल इंडस्ट्री, ये टाटा इंडियन होटल के इस स्टॉक के बारे में। दोस्तों, करंट 550 रुपये चल रहा है, पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्ट है और एक स्ट्रांग प्राइस बिहेवियर इस स्टॉक का दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, साथ में आपको डिविडेंड भी यहाँ पे 0.18% के आसपास का मिल रहा है। अगर चार्ट में देखेंगे तो कहीं भी इस चार्ट में वीकनेस आपको नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्लियर कट ये समझ में आता है दोस्तों कि इस स्टॉक में एक हैवी कैश फ्लो का, यहाँ पे देखेंगे तो एक हैवी कैश फ्लो बना हुआ है। जब कैश फ्लो किसी भी स्टॉक में या किसी भी कंपनी में रहता है दोस्तों, तो इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग प्राइस बिहेवियर चार्ट के ऊपर आपको दिखाई देता है। मतलब कहीं भी इस चार्ट के अंदर वीकनेस आपको नहीं दिखाई देगी, यानी कि इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल को भी यह चार्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि आपने बेटर डिसीजन ले लिया होगा कि आपको कौन सा यहाँ पे स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए। फिलहाल अब बात करते हैं दोस्तों जूनिपर होटल की। फिलहाल देखिए यहाँ पे दोस्तों, नो डाउट ये एक हाई रिस्की बिजनेस वाला यहाँ पे इनका पूरा एक ग्रुप है। और बात कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहले कि ये आईपीओ लेके आ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, ये जूनिपर होटल वाले आईपीओ लेके आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग इनकी प्लानिंग है। तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि एक तरफ टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप का इतना बड़ा एरा है होटल इंडस्ट्री का, दूसरी तरफ इनका एक अभी प्लानिंग है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने की। तो ये तो आपको बेटर डिसीजन यहाँ पे मिल गया होगा कि आपको कौन से स्टॉक को खरीदना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको पहले करना चाहिए। नो डाउट आप इस स्टॉक में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यहां पे ये जो दिखाई दे रहा होगा, इनकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से है। अगर प्राइस बैंड की बात किया जाए तो 342 से 360 रुपए पर शेयर के हिसाब से आ रहा है, जो कि अभी भी फिलहाल मुझे महंगा ही दिखाई दे रहा है। और पार्ट लॉट 40 शेयर ये दे रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों, NSE BSE में लिस्टिंग की इनकी प्लानिंग है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, पहले स्टॉक मार्केट में जूनिपर होटल को लिस्ट होने दीजिए। स्ट्रॉन्ग अगर इस स्टॉक का टेक्निकल प्राइस दिखाई देता है आगे चल के और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रहते हैं, तो नो डाउट यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अगर अभी आप प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले इस स्टॉक के और इस होटल के पूरे बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। यहाँ पे किस हिसाब से ये ट्रेड करता है मार्केट में, उस हिसाब से आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे आगे चल के कि आपके लिए रिस्की है या फिर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर पहली मेरी चॉइस इन्वेस्टमेंट की है तो वो है इंडियन होटल में, क्योंकि इंडियन होटल का एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है और ये एक बहुत बड़े ग्रुप का समूह भी है। दोस्तों यहाँ पे इंडियन होटल काफ़ी पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। और अगर यहाँ पे हम चार्ट की बात करें तो यहाँ पे चार्ट में क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर ये क्लियर कट समझ में आता है कि इनकी पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा एक ग्रुप है जो इस होटल को प्रमोट कर रहा है और जो इनके बिजनेस मॉडल को आगे चल के प्रमोट कर रहे हैं, वो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ग्रोथ इस स्टॉक में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सेफ है बैठ जाए कि जूनिपर होटल के, क्योंकि पहले जूनिपर होटल के आईपीओ को आने दीजिए, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, उसके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को देखेंगे, उसके बाद ही कुछ बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो फिलहाल अगर आपको स्टॉक का इन्वेस्टमेंट करना है
तो करीब करीब यहाँ पे इंडियन होटल में 515 रुपये का एक स्टॉप लॉस बनेगा, और यहाँ पे आपका व्यू थोड़ा लंबा होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करंट प्राइस काफ़ी अच्छा है और लगातार इसी स्टॉक में ऊपर साइड का मोमेंटम बना हुआ है। तो दोस्तों आई थिंक कि आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि अब इस वीडियो को देखने के बाद कि जून पर होटल को आपको खरीदना है या फिर आगे चल के आपको इसी स्टॉक यानी कि इंडियन होटल में आपको इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाहिए। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपको स्टॉक एनालिसिस वीडियोस मिलता रहे तो हमारे चैनल को आप लोग फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि अगर आपको किसी भी स्टॉक का एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।